हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस की ये क्लास फोर्थ है। उम्मीद करता हूं तीनों क्लास अगर आपने देखी होंगी तो बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, दो क्लास और होंगी इसके अलावा, तो मेरे ख्याल से फिर कुछ बचेगा नहीं चैप्टर में। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो आज के सवाल हैं ये मेनली मैंने औसत चाल को कवर किया है। औसत चाल के सवाल कैसे से कैसा भी आपका आ जाएगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए। नीचे एक और क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में लिख दिया है जो औसत चाल से अलग है, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को करना आता होगा, नहीं आता है तो आज बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 60 की स्पीड से। सोचिएगा, बाइक में 60 की, एकदम दिमाग वहां जाना चाहिए। देखो, प्रैक्टिकली जब भी सोचते हैं तो 60 का मतलब एकदम बाइक सोच ले करो कि 60 पे कितनी तेज दौड़ती है, चाहे उसका यूज हो सवाल में या ना हो, पर प्रैक्टिकली दिमाग ऐसे चलाना पड़ता है। ठीक है, 60, अच्छा ठीक है जी, आगे बढ़ो। तथा बी से ए तक, ए से बी कोई शहर है, मतलब ये दो, ए से बी तक 60 की से गया और बी से वापस ए तक 40 की से आया, मतलब जाने में स्पीड 60 थी, आने में स्पीड 40 है। ठीक है, तो पूरी यात्रा में ध्यान देना, एक तरफ से 60 की से गया, वापस 40 की से आया, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या रही? ना हमें 60 देखनी है ना 40 देखनी है, एवरेज स्पीड देखनी है। वैसे तो औसत वाले चैप्टर में हमने सीखा है दो संख्याओं का औसत, 60 प्लस 40 बटे दो कर दो, 50 की आ जाएगी एवरेज स्पीड। पर एवरेज स्पीड के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सामान्यतः औसत ऐसे ही निकालते हैं, पर औसत चाल बिल्कुल ऐसे नहीं निकालना है आपको। देखिए, अगर आपको बगैर ट्रिक बगैर फॉर्मूले करना है तो आप जानते हैं, एक फॉर्मूला तो जरूर जानते हैं, अगर चाल पूछी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं यहां पर औसत चाल लगा दूं तो बस थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा कर देता हूं, कुछ नहीं करना मुझे। औसत चाल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, पहले औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। मुझे पता है आपको ट्रिक आती है, मुझे भी आती है, पर मैं पहले इससे बता रहा हूं आपको, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल का ये फॉर्मूला इन पांचों क्वेश्चन में काम कर सकता है। एक ही लहजे में सारे सवाल कर सकते हो। कुल दूरी बटे कुल समय, वो बात तो ठीक है जी आपकी, कुल दूरी बटे कुल समय ठीक है, लेकिन यहां दूरी थोड़ी पता है ए और बी शहरों के बीच की, दिक्कत ये है ना, यहां दूरी नहीं पता, यहां तो सिर्फ चाल पता है। चाल पता है, दोनों चालों से बराबर दूरी तय की गई है, ए से बी तक भी उतनी चाल, मतलब इस चाल से 60 की चाल से इसी दूरी को फिर वापस 40 की चाल से तय किया गया है। ठीक है, तो भाई इसकी ट्रिक है हमारे पास सीधी, लेकिन क्या इस तरीके से भी इस सवाल को किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप कहो कैसे किया जा सकता है, दूरी चाहिए और समय चाहिए, तो ना तो यहां दूरी दिया है सवाल में ना समय दिया है, तो आप क्या करेंगे, इस दूरी को आप कुछ भी मान लो अपने मन की मर्जी से, जो आपका मानना है। आप कहो चूंकि फिर वो दूरी समय निकालने के साथ हमें इन 60 से भी काटनी पड़ेगी, 40 से भी काटनी पड़ेगी, तो ऐसी मानो जो दोनों से कट जाए, तो 120 किलोमीटर मान लेता हूं मैं इस दूरी को। ध्यान देना, आपको लग रहा होगा कि क्यों 120 मानी है, अभी आपको समझ आएगा कि 120 मानने के फायदे क्या थे। ठीक है, 100 भी नहीं मान सकता मैं, 100 नहीं मान सकता, क्यों नहीं मान सकता बताऊंगा। ठीक है, तो 120 दूरी को, 120 दूरी को कुल दूरी में क्या आएगा, कुल दूरी में 120, 60 की से गया, 120 वापस की आया, तो यहां 120 प्लस 120 हो जाएगी दो बार। 120 हमने टोटली तो मानी है एक तरफ की, फिर वापस 40 की से आ रहा है, तो टोटल दूरी तो दोनों चालों से 240 तय की गई कि नहीं, ये बताओ आप। ठीक है, कुल दूरी मिल गई बटे, अब कुल समय चाहिए। आप ध्यान देना, आपकी बाइक 60 पे दौड़ रही है, 60 पे दौड़ रही है 60 की स्पीड से, 120 किलोमीटर कितनी देर में तय कर जाओगे ये बता दो बस, समय ही तो चाहिए आपको।
तो 120 में भाग दे दूंगा 60 का, इसलिए ही माना है जो कट जा 60 से, तो 2 घंटे लगेंगे कि नहीं ये बताओ, समय चाहिए मुझे बस। और अब आप बताओ अगर इसी दूरी को 40 की से तय करने लगूं 40 की स्पीड से तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। आपका उत्तर आ गया 240 बटे क्या 5, भाग दे देना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी औसत चाल है। ये है इसका प्रॉपर तरीका। इस सवाल को अगर तरीके से किया जाए तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, इसी लहजे में सारे सवाल कर सकते हो। आपके कुल दूरी नहीं थी, सिर्फ चाल चाल दी थी, तो कुल दूरी हमने ऐसी मान ली जो दोनों चालों से कट जाए, क्योंकि समय निकालना पड़ेगा इसलिए भाग देना पड़ेगा दूरियों में चालों का, इसलिए मैंने ऐसी कटने वाली मानी थी। ठीक है, आप 100 भी मान सकते थे, बस बटे में आएगा, आ उत्तर उससे भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो है एक तरीका, प्रॉपर तरीका। और अगर आपको इसकी ट्रिक सीखनी है तो अगर आपको सवाल में 2 चाल दें, देखो ट्रिक लगाने से पहले बच्चे लोग क्या करते हैं, ट्रिक तो सीख लेते हैं लेकिन ट्रिक कहाँ लगेगी वो उनको नहीं आता। सही बात यह है कि अगर 60 की चाल से गया है और वापस 40 की से आया है, मतलब दोनों चालों से बराबर दूरी तय की गई है या नहीं बताओ। ये देखो 60 की से अभी उतना ही चला है जितना 40 की से चला है, बताओ सवाल पढ़ के समझ में आ रही है बात? अरे भाई ए से बी भी उतना ही होगा, बी से ए भी उतना ही होगा, इसलिए दोनों चालों से बराबर दूरी है। जब बराबर दूरी होगी तभी यह फॉर्मूला लगेगा औसत चाल का। जब बराबर दूरी होगी तो औसत चाल का ये ट्रिक लग सकती है आपकी, लेकिन कब लगेगी? जब दूरियां बराबर हो। और एक्स और वाई क्या है? एक्स पहली चाल, वाई दूसरी चाल। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो 60-40 को और आपका आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, तो औसत चाल 60 + 40/2 करके ना निकालें, सामान्य औसत की तरह औसत चाल के लिए लगाना है तो ये फॉर्मूला लगाना होता है। अब आप 3 में कंफ्यूज हो जाओगे, 3 के लिए फिर नया फॉर्मूला चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया है। और दूरियां अलग अलग हो दोनों चालों से तो भी ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। मान लो 60 की से गया 1/3 दूरी, बची कुछ ही उसने तय की वो 2/3 बची, उसको 40 की से, तब ये फॉर्मूला में आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूरी हो जाता है ये सीखना। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं रखना चाहता आपको। तो 2 × 60 × 40 / 60 + 40 उत्तर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा, ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पर, पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट के अंदर, अगले 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट के अंदर, क्या 2xy/x+y से कर पाओगे इसको? दूरियां ही अलग अलग हैं और जब डिस्टेंस अलग अलग तय की गई हो और नया चाल दे रखी, चाल दी होगी डिस्टेंस बराबर, 2xy/x+y से कर हो जाएगा काम। ठीक है, लेकिन ना तो यहां डिस्टेंस बराबर दिख रही है ना यहां पे चाल दिख रही है कौन कौन सी है, तो इसलिए फिर एक ही फॉर्मूला बचता है रामबाण हमारा, क्या? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये तो हर जगह सुपर हिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल दूरी क्या है? 35 किलोमीटर, किलोमीटर में ही रखना सारी दूरी, किलोमीटर में रख ली 35। इस बार तो दूरी खुद दे रखी है उसने, पिछले में नहीं थी, पिछले में चालती तो दूरी हमने मान ली, क्या दिक्कत थी? यहां पे दूरी इसने ही दे दी, कुल दूरी बटे कुल समय। अब ध्यान दो, अगर ये किलोमीटर में है तो समय किस में चाहिए बताओ चाल के लिए? आपको पता है किलोमीटर पर आवर में ही हम चाल निकालते हैं या मीटर पर सेकंड में निकालते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में ही होती है नॉर्मली स्पीड, तो यहां पे समय चाहिए आपको आवर में, कुल समय कितने आवर में चाहिए, तो मैं देखूं कितने आवर आ रहा है, तो 45 मिनट + 75 मिनट टोटल समय हो गया, या मिनट में 45 + 75, और चूंकि यहां तो बन रहा है 120 तो इसलिए 2 कर सकते हो, पर कहीं कहीं नहीं बनेगा 120,
इसलिए आप भाग देने की आदत बना लो 60 का, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है, चाहे वो 120 बने या वो 115 रह जाए, चाहे वो 110 रह जाए मिनट, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि 120 में तो दो बना लोगे पर और जगह नहीं बना पाओगे, इसलिए ये तरीका सीखो। ठीक है, चलिए आगे बात करूं। अब सवाल ऊपर क्या बन गया, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 104, और नीचे क्या बनेगा, ध्यान दो। अब आप कहो नहीं जी एक ये 60 तीसरे बटे का ऊपर ले जाओ, तो लो मैं ऊपर ले जाता हूं और दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 120, तो ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर बन रहा है आराम से। 60 से दो बार काट दो और दो से कितनी बार कट गया, तो उत्तर आ गया 52 किलोमीटर पर आवर। पर आवर में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आराम से। देखिए कुल मिला के बहुत आसानी से हमने सवाल कर लिया, हमें टोटल डिस्टेंस देखनी थी। डिस्टेंस पहचान पा रहे हो या नहीं, दूरी पहचान पा रहे हो या नहीं, ये देखो सवाल में। अरे भाई जो किलोमीटर में वही तो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस तो किलोमीटर या मीटर में ही नपती है, समय आपको दिख ही रहा है, कुल दूरी कुल समय, बस भाग दिया है दोनों चीजों का और कुछ नहीं किया इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर पाओगे क्या, कितना आसान है देखो तो सही, प्रैक्टिस करिएगा। अरे अटक रहे हो तो फिर यहां देख लो, औसत चाल। अब आपको कितनी भी आ जाए कितने भी, टेंशन ही नहीं है, 4 हो 3 हो कोई दिक्कत नहीं, औसत चाल बराबर। आपको टोटल डिस्टेंस जोड़नी है, ये तो हमारा फॉर्मूला सदाबहार है और कोई नया थोड़ी लाए हैं कहीं से, चाल बराबर दूरी बटे समय सब जानते हो। ठीक है, कुल दूरी क्या है भाई, पहली दूरी 24 किलोमीटर, दूसरी दूरी 24 किलोमीटर और तीसरी भी 24 किलोमीटर। यहां तो ट्रिक भी लग सकती थी पर ट्रिक 3 की मैंने बताई नहीं है तो इसलिए छोड़ ही दो, ट्रिक की टेंशन ही मत लो, ये हमारे पास है। 4 की फिर नहीं पूछोगे, फिर वो और लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आप ट्रिक से ना सीख के इससे ही सीखो। 24 अपॉन सब किलोमीटर में आ गया ऊपर, बिल्कुल कुल दूरी बटे कुल समय, समय आप बताओगे, समय आप बताओगे भाई, ये काम तो मैं आपको देता हूं। पहली का समय 24 किलोमीटर, ध्यान दो इस बात पर, यहां अलझते हैं बच्चे, 6 इन्हें जोड़ देंगे, 6 8 और 12 जोड़ देंगे नीचे, अरे भाई ये चाल है। समय 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 की चाल हुई तो कितने घंटे लग जाएंगे कोई बताओ, 6 की स्पीड हमारी, कितने मंदे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं हम इसलिए मंदी है, तो 6 की स्पीड से 4 घंटे लगेंगे कि नहीं। समय जोड़ रहा हूं मैं, समय मैं घंटे में चाहता हूं, नीचे घंटे में आए, आ रहा है घंटे में, 4 घंटे। अब आप खुद बताओ, फिर 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 8 की स्पीड से जाता है, 3 घंटे और फिर 24 की स्पीड किलोमीटर की दूरी है 12 की चाल से, समय निकाल रहा हूं दूरी बटे चाल इसलिए भाग दे रहा हूं इनका, तो 2 घंटे लगे। समय बराबर दूरी बटे चाल रटने से अच्छा कि आप ऐसे सोच के देखे करो कि 24 की दूरी 6 की चाल से जाऊं कितना टाइम लगेगा, भाग अपने आप समझ जाओ, भाग देना कोई और नहीं बताने आएगा आपको। ठीक है, चलिए कुल मिला के 72, कुल मिला के 9 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने पहले ही कह दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या यही पूछा था औसत चाल, हाँ यही पूछा, बताओ कितने आसान आसान सवाल हैं आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 औसत चाल फिर लिख देता हूं, बार बार मिट जाता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति 10 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी को लिखो ना पहले, तो 70 किलोमीटर मिल गया हमें, किलोमीटर में जो वही दूरी है। दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलता है,
क्या आपको दूरी, बहुत बच्चे इनमें से तो नहीं ढूंढ लेंगे दूरी, ये है या ये है, इनको दूरी मत मान लेना, बस इसलिए ये सवाल है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है इस सवाल में। कई बच्चे तो इन्हें दूरी मान जाते हैं, तो भाई कौन सी दूरी है इसमें, है ही नहीं। पहली दूरी पता चली ये रही, दूसरी दूरी तो हमें पता ही नहीं है। आप खुद बताओ, 10 की चाल से आपकी साइकिल जा रही है, साइकिल जा सके 10 की से, मोटरसाइकिल तो गिर जाएगी। 10 की चाल से 5 घंटे तक चले, 10 की चाल है आपकी, कितनी दूर जा सकते हो खुद बताओ, खुद बताओ। सोच के फॉर्मूला याद मत करो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, उससे तो 10×50 आ ही जाएगा, पर वो रटी ही चीज है। आप सोच के देखो प्रैक्टिकली, 10 की स्पीड है, 5 घंटे तक चलते रहे 10 किलोमीटर हर घंटे, 10 किलोमीटर हर घंटे, तो 5 घंटे में हम 50 पहुंच जाएंगे। तो ऐसे आप हिसाब लगाए करो, तो ज्यादा बेहतर स्थिति में पाओगे खुद को, ठीक है। हर बार फॉर्मूले पे डिपेंड होगा, इसलिए चैप्टर कैडा लगेगा, ठीक है। फिर ये आसान थोड़ी ना लगना है आपको, तो इसको प्रैक्टिकली सोचा करो। तो 70 किलोमीटर की दूरी पहले में तो साफ दी, दूसरे में 10 की चाल से 5 घंटे तक चला, इसलिए वो 50 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और नीचे कुल समय, पहला समय 10 घंटे, ये तो समय ही दिया डायरेक्ट, क्या यहां भी समय दिया, हाँ दिया जी, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई। कुल मिला के ऊपर 120 और नीचे 15, और उत्तर क्या आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। देखो सबके उत्तर बहुत टॉप के आ रहे हैं कि नहीं, खुद बताओ, ठीक है। इतने इतने से हल हैं बस, तो औसत चाल के सवाल बहुत ही आसान होते हैं वाकई में। अब क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूं मैं, 5 में इनके अनुप्रयोग सिखाता हूं, भाई इस औसत के चाल के, जहां औसत चाल भी ना बोला हो तब भी हम औसत चाल का फॉर्मूला लगा के सवालों को कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, यहां तो बोला ही नहीं है कि औसत चाल बताओ, नहीं बोला ना, ठीक है। ये क्या बोला है, पहले मैं इसका आपके दिमाग में फिट कर देता हूं सवाल, क्या सवाल समझना, क्योंकि हल तो हो ही जाता है, सवाल बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, बस उसकी फिगर दिमाग में छप जानी चाहिए। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, ध्यान देना, एक कार इस पूरी दूरी को 10 घंटे में, 10 घंटे लग गए कहां से कहां तक लग गए, पूरी में, समझ में आई बात या नहीं आई, यहां से यहां तक गई कार तो 10 घंटे लगे, फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ, यदि इस यात्रा की आधी दूरी, आधी लो बिल्कुल हाफ, कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधी, और शेष आधी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो अगर पूरी इकसार आपको चाल पता होती कि पूरे में चाल ये है, ध्यान देना, पूरे में चाल ये है, पूरे में समय ये है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही लगेगा कि नहीं, खुद बताओ भाई। दूरी तो पूछी हमसे, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, होता है कि नहीं, और मुझे समय दे रखा पूरी का, पूरी का ही दे रखा, बस पूरी की चाल नहीं दे रखी, चाल आधी आधी करके दे रखी है। और जब आधी आधी चाल बराबर बराबर दूरी तय की गई हो दोनों चालों से, तो इनका औसत भी निकाल दोगे तो उस चाल को यहां रख दो, पूरी चाल आ जाएगी। पूरी यात्रा में उसकी चाल क्या रही, अगर आधी में 40 आधी में 60, तो औसत बता दो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, वो चाल यहां रख देना बस, और आपका उत्तर आपका वो तो हमने अभी निकाली, पहला ही क्वेश्चन ये था, पहला ही ये था दोनों की औसत चाल। क्यों निकाल लिया ऐसा, क्योंकि आधी और आधी बराबर बराबर है, इसलिए फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो 2xy/x+y, बराबर बराबर है इसलिए फॉर्मूला लगा सकते हो। आपके बराबर नहीं होती तो फिर कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी कहां से लाते, दूरी तो फिर मान लो कुछ भी, फिर पहले की तरह कुल समय भी आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहां तो लगा सकते हो ये फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं है, तो 48 आएगा साफ, कर लेना, एक्स पहली चाल वाई दूसरी चाल, इतने किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो चाल क्या हो गई बता दो, यहां
ना 60 रही ना 40 रही, चाल रही 48, ठीक है। और उत्तर क्या हो गया, 48 गुणा 10 480 किलोमीटर। इतना सा सवाल है बस ये। तो औसत चाल का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस सवाल को करने में। भाई पूरी यात्रा में 10 घंटे लगे, पहली आधी ये, दूसरी आधी इस चाल से। अब दो चाल है, उनको एक कैसे करें, बराबर दूरी तय की गई है तो एक करने के लिए औसत बना दो, बस बन गई एक चाल, बन गई चाल गुणा समय, उत्तर 48 गुणा 10 480 किलोमीटर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से की, छठे की। छठा क्वेश्चन, इन औसत चाल का तो हमारा काम खत्म हो गया। देखो उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ में आ गया होगा, कोई नया क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दिया तो ये फॉर्मूला है हमारा, रख देना उत्तर आ जाएगा, क्या घुमाएगा आप, ठीक है, जहां भी मिल जाए बुक में। चलिए, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक एक घंटे में बस कितनी देर के लिए रुकती है। देखिए बहुत आसान सवाल है, मैं आपको समझा देता हूं पहले। देखिए ये एक बस है, ये लग रहे हैं, ठीक, ये लो बस, आधे बने, ठीक लग रही, ठीक लग रही है ना, आगे आ जाओ। एक बस को ये दूरी तय करनी है यहां से यहां तक। क्वेश्चन समझना जरूरी है, मैं बात बोलता हूं कि सॉल्यूशन से ज्यादा अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन को बगैर देखे पढ़ पाएंगे क्या, वो आपको समझ में आ रहा है फिर उसका मतलब। क्वेश्चन को दोहरा पाओगे बगैर देखे तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझने की बात ये होती है, ठीक है। एक बस है, वो अगर डायरेक्ट चले, डायरेक्ट बगैर रुके, पूरा यहां से स्टार्ट होके और यहां तक जाए तो उसकी चाल 64 की आती है। इससे ऊपर मीटर सेट करवा रखा है, इससे ऊपर जाएगी नहीं, कितनी रेस दे लो, ठीक है, पूरा 64 से ऊपर नहीं जाएगी, पूरी भगा के 64 उसकी स्पीड है आमतौर पर। लेकिन अगर चूंकि बस स्टॉप तो बीच में आएंगे, डायरेक्ट परिचौक से बॉटनिकल गार्डन तो नहीं मिलती, बीच में स्टॉप भी जरूरी है, तो स्टॉप आ गए। इन स्टॉप्स पे जब रुकेगी, ध्यान देना, देखिए जब भी ये बस चलती है 64 की से ही चलेगी, 64 की से ही चलेगी, जब भी चलेगी गति तो सिर्फ इसकी एक ही है 64, स्टॉप पर रुकी फिर 64, फिर रुकी फिर 64, ऐसे चलेगी। इसका मतलब ये है कहने का मतलब, हाँ ठीक। लेकिन जब स्टॉप पर रुकी, स्टॉप पर रुकी, कुछ टाइम तो दिया होगा स्टॉप पे, 2 मिनट 1 मिनट, तो अगर हम देखते हैं पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही, क्योंकि वो रुक के आई है इस बार, तो हमने क्या लगाया कि भाई कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय जो अब लगा उससे हमने देखा, तो अब उसकी स्पीड रह गई मात्र। बात समझ में आई सवाल क्या है, अगर वो बिना रुके चलती तो 64 से जाती, चूंकि स्टॉप पर रुक गई है, बहुत सारा टाइम स्टॉप पे खराब हुआ होगा, कोई सवारी उतर रही है, कोई चढ़ रही है, किसी में धक्का लग रहा, फिर ड्राइवर रुका, तो वो वाली बात, बहुत सारी बातें हैं, तो उसकी वजह से स्पीड 48 की रह गई, ठीक है। चलिए भाई बहुत सही, तो अब जो है कितना वो रुकती है एक घंटे के अंदर, ये पूछना चाह रहा, एक घंटे के अंदर अगर मैं पूरे घंटे में हिसाब लगाऊं तो वो स्टॉप पर कितने समय के लिए रुकती है, ठीक है, कितने समय के लिए रुकती है, यहां पर यही पूछा है। एक घंटे के अंदर आपको हिसाब लगाना होता है कि बस कितनी देर के लिए रुकती है। चलिए, तो अब इस सवाल को देखने के लिए अब मैं आपको बताऊं
कि भाई बस रुकी कितनी देर, बस प्रति घंटा रुकी। इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या, आपको तरीका ही समझा देता हूं, ट्रिक ही है। कितना उसका डिफरेंस आया गति में, 16 रुकी कि नहीं रुकी, 16 किलोमीटर रुकने में गई कि नहीं गई, खुद बताओ। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक स्पीड उसकी क्या थी, 48 थी या 64 थी, 64। वो नीचे वास्तविक आएगी, बस 16 गई 64 में से। तो ऐसे समझ लो ना, रुकने का निकाल रहे तो 64 में से 16 नंबर ऐसे ही लिखे जाएंगे, वही तो बात है। 64 में से 16 गई रुकने में, और चूंकि हमें मिनट में लेके आना है उत्तर, क्योंकि कितने मिनट के लिए रुकती, ये आ रहा है घंटे में, 1/4 घंटा रुकती है वो, और अगर मिनट में लाना हो तो भाई, तो आपको पता लग गई कि बस कितनी देर के लिए रुकी रास्ते में। तो आप देखो 16 × 4 = 15 बार, 15 मिनट के लिए बस हर घंटे में रुकती जाएगी। मतलब एक सवाल एक पेपर में पूछ लिया, देखो आप क्या हो जी, आप तो समझाते ही नहीं हो। उसने बोला एक घंटे में कितनी देर के लिए बस चलती है, तो अब ये बोल दिया, बच्चे फिर भी 15 ही ढूंढते रहे। अगर क्वेश्चन समझा होता तो 15 तो कुछ है ही नहीं, आपको एकदम कह दोगे अरे ये तो रुकने वाला टाइम आया है, 60 में से 15 रुकी तो 45 चली होगी कि नहीं, खुद बताओ। तो 45 उत्तर भी आ सकता है इसका। तो ये ध्यान देना है, रुकने का पूछा है या चलने का पूछा है, तो ये बात विशेषकर। हाँ अब एक बात और, अब आप क्या होगा जी, इसकी प्रैक्टिस के लिए सवाल, देखो वैसे तो बुक से ढूंढने पड़ेंगे, फिर कोई पूछता है मुझ पे ये बुक है, मुझ पे फलानी है, मुझ पे फलानी है, तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड आने वाला है, पैसों का इंतजाम चल रहा है, हो जाएंगे इधर उधर से। तो नहीं नहीं तुमसे नहीं चाहिए, कर लेंगे ठीक है। तो क्या है फिर, ये इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन हर टाइप के आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 3-4 और लिया है, आपका क्वेश्चन परफेक्ट, ये फायदे होने वाले हैं आपको। और जितनी देर में कराता हूं 6, उसमें हो जाएंगे और ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है भाई। चलिए भाई आज का काम, हाँ हिस्ट्री क्लास है अभी, वो लेके जाना ठीक है, बाकी 5 मिनट ब्रेक के ले सकते हो।